सोशल ग्रुप वर्क स्टार्ट हो रहा है, केस वर्क खत्म हो गया। तो जैसा जो नाम है सोशल ग्रुप वर्क, तो यहाँ पे आ गया ग्रुप। हमने केस वर्क में करा था कि इंडिविजुअल को करना है, ठीक है। अब ग्रुप में क्या करते हैं, जो हमारा इंडिविजुअल है, ठीक है, और जो हम एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, पर्पसफुल उसमें हम रिलेशनशिप बनाएंगे, तो इस ग्रुप के हेल्प से इस इंडिविजुअल का इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना सोशल ग्रुप वर्क कहलाता है। जिसको शुरू के कॉन्सेप्ट याद होंगे, तो अब उसमें क्या है, बीच बीच के शब्द वहाँ पे केस की जगह ग्रुप रख दो, सारी लगभग लगभग चीज़ें वहीं रहेंगी, ठीक है। तो सोशल ग्रुप वर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें पता होता है मैन जो है सोशल एनिमल है, ठीक है। उसको हमेशा चाहिए होता है कि कोई उसके आसपास रहे, वो किसी ग्रुप में रहे, उस ग्रुप से सीखे। और हम जितने भी सिविलाइजेशन देखेंगे उनका उदय ऐसे ही हुआ था। पहले कोई नदियों के किनारे थी, ग्रुप ग्रुप में रहती थी, ठीक है ना। फिर वो पैटर्न चेंज हुए, फिर स्टार पैटर्न आया, कभी सर्कुलर पैटर्न आया, कभी ट्राई जंक्शन पैटर्न आया, ठीक है। तो अलग अलग तरह के पैटर्न आए। तो सब में हम देखेंगे कि जो आदमी था, ठीक है, वो हमेशा एक सोशल ग्रुप में रहता था। क्यों? क्योंकि सोशल ग्रुप उसको क्या करता था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, ठीक है ना। और क्या करता था, उसको साइको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। अगर हम सोशल वर्क की बात करें तो प्रोटेक्शन ना लिख के वहाँ में लिखना है साइको लॉजिकल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये हमें पता है कि अगर ग्रुप हमें साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बना रहा है, ठीक है, और एक इंडिविजुअल है जो ये परेशान है, ये हमारे पास आया, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर तक थे हम सोशल केस वर्कर, तो अब हम हो गए सोशल ग्रुप वर्कर, ठीक है। तो सोशल ग्रुप वर्कर के पास आया जो एक प्रोफेशनल है, तो अब यह करेगा, पहले देखेगा कि किस इसको ग्रुप में डाल सकते हैं। मान लो ये ओल्ड पीपुल है, ठीक है ना, तो कोई ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें सारे ओल्ड एज वाले हों, ठीक है, वो एक दूसरे की समस्या को अच्छी तरह जान सकते हैं, ठीक है। हैंडीकैप में, ठीक है, दिव्यांग लोग जो है उनका एक ग्रुप बना दिया, तो अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है, हम उसको ग्रुप में देते हैं। और ग्रुप में क्या क्या थेरेपी होती है, टीम वर्क, टीम स्पिरिट, उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। सिंपल देखो, एक फुटबॉल टीम है, ठीक है, इस फुटबॉल टीम में जब ये गोल करते हैं, ठीक है, डिफेंडर होते हैं, अटैकर होते हैं, मिडफील्डर होते हैं, सबके योगदान से क्या होता है, वो टीम जीतती है। ऐसी क्रिकेट में हो गया। तो अगर हम किसी को बोले ना इंडिविजुअल को, तो अकेला पूरा गोल कर दे जिता दे मैच, नहीं हो सकता ना। तो ग्रुप में क्या करा, उसकी पावर बहुत ज़्यादा हो गई, सबने मिलके उस उनकी जो टारगेट था मैच को जीतना, ठीक है। तो अपने इंडिविजुअल पोटेंशियल को ले लेके एक कंबाइंड पोटेंशियल बना, जिससे कि उन्होंने वो चीज़ करके दिखा दी जो कभी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो सोशल ग्रुप वर्क की डेफिनेशन शुरू करने से पहले आप फेमस डायलॉग लिख सकते हैं मदर टेरेसा का, जो उन्होंने लिखा था कि यू कैन डू समथिंग, ठीक है, विच आई कांट, ठीक है, आई कैन डू समथिंग विच यू कांट, टुगेदर वी डू ग्रेट थिंग, ठीक है। तो यू कैन डू समथिंग विच आई कांट, तुम वो चीज़ कर सकते हो शायद, हो सके जो मैं नहीं कर सकता, मैं वो चीज़ कर सकता हूँ शायद तुम नहीं कर सकते, लेकिन हम दोनों मिलके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ कर सकते हैं। तो इसी पे प्रिंसिपल पे क्या है, सोशल ग्रुप वर्क के हम सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये कोटेशन लिखना, ठीक है, मदर टेरेसा का नाम डाल देना। और एक और कोटेशन है, वो भी लिख सकते हो आप, उसमें यह है, द श्योरेस्ट वे टू हैप्पीनेस इज टू लूज योर सेल्फ इन ए कॉज ग्रेटर देन योर सेल्फ, ठीक है ना। अपने से बड़ा अगर दूसरों के लिए कोई कॉज कर रहे हो, तो जो खुशी मिलती है ना, ठीक है, वो कहीं पे भी नहीं मिलती। तो इससे हम सोशल ग्रुप वर्क के बारे में पढ़ेंगे। अब ये ग्रुप होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप क्या है, कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, जो हम ब्रॉट टुगेदर, मतलब उनको हम साथ में लाते हैं, ठीक है ना। किसके लिए लाते हैं, एक डिस्टिंक्टिव सोशल रिलेशन के लिए,
अब ये मैं बताऊंगा डिस्टिंक्टिंग सोशल रिलेशन क्यों है, ठीक है ना, विथ वन अदर, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो आपस में आए हैं, ठीक है, वो एक रिलेशनशिप बनाएंगे एक दूसरे से टू अचीव ए क्या, डिफाइंड गोल और टारगेट, ठीक है ना। तो वो एक कहलाएगा छोटा सा ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखना सोशल ग्रुप वर्क में आपको हमेशा लिखना है पर्पसफुल रिलेशनशिप, ठीक है ना। क्योंकि देखो ग्रुप में, अभी मैं ग्रुप की जब बताऊंगा फॉर्मल इनफॉर्मल दो तरह के होते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को दोबारा डिफाइन करूँगा। अभी खाली हम करेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या वो करेक्टरिस्टिक में ग्रुप होता है ऑफ पीपल, ठीक है ना, सबके कॉमन इंटरेस्ट होंगे। जैसे एक तुमने बना दिया बुढ़ों का, ठीक है, ओल्ड एज वालों का, तो सबका कॉमन इंटरेस्ट क्या है, सबकी प्रॉब्लम लगभग लगभग जैसी होंगी, सबका ये होगा कि उनको क्या करना है, अपलिफ्टमेंट कर रहा है, उनके अंदर जो स्ट्रेस आ गया साइकोलॉजिकल कि उनको बेटे घर से निकाल रखा उन्हें, ठीक है, ये सारी दूर करनी है, किसी को पेंशन नहीं मिलनी उनको पेंशन दिलानी है, तो ये सारी चीज़ें क्या है उनकी कॉमन इंटरेस्ट रहेगी, उसी टाइप का हम बनाएंगे। और ग्रुप में क्या होता है, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो जब तक हम डिस्ट्रीब्यूशन वर्क का नहीं करेंगे तो हमने टास्क नहीं खिला पाएंगे, ठीक है, उनको गाना कभी टास्क कोई गेम खिला रहे हैं, इससे क्या होगा उनके अंदर एक भावना आती है कि हम अभी भी कुछ कर सकते हैं, तो आधा आधा काम को हम बांटेंगे, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और क्या होगा, यूनिटी होगी, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने कोई ऐसा ग्रुप बनाया उसमें एक दो थोड़े खुरापाती तत्व हैं जो यूनिटी होने नहीं दे रहे, तो हमारा जो गोल है ये कभी हम अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ग्रुप में यूनिटी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, वॉलंटरी मेंबरशिप होनी चाहिए। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते आओ कि हमारे ग्रुप में आओ, वो खुद आए अपनी समस्या लेके, और कब जाना चाहे वो भी जा सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉर्म्स, ठीक है, और ये कौन डिसाइड करेगा, हम, मतलब सोशल ग्रुप वर्कर जो होगा वो नॉर्म्स बनाएगा उसके, ठीक है। तो एक परफेक्ट नॉर्म्स होंगे, परफेक्ट प्रिंसिपल होगा कि कब हमें क्या चीज़ें लेनी है। फिर उसके बाद क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी। तो कोई से 5-6 याद करके वहाँ पे आप लिख सकते हो, स्ट्रक्चर होगा, व्यूज होगा, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप बनेगा वहाँ पे। जब इंटरेक्ट करोगे एक दूसरे से तो सोशल रिलेशनशिप भी तो बनेगा, और इसी से तो इन्वायरमेंट में बूस्टअप करूँगा अभी। तो ये हो गया एक ग्रुप की पहचान, कि एक पर्पसफुल रिलेशन बनाना, ग्रुप ऑफ पीपल, और ये सब हो गया। अब एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो पेपर टू है ना, जब वहाँ पे अप्लाइड पार्ट के क्वेश्चन आएंगे, तो जब तक तुम्हें ग्रुप नहीं पता होगा, ठीक है, तो उसका आप क्या कहते हैं रेमेडी उसको नहीं दे पाओगे। जब क्वेश्चन वहाँ पे सीधा आएगा कि एक जगह मान लो कि एक रेड लाइट एरिया जो जहाँ प्रोस्टिट्यूशन जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वहाँ पे सोशल ग्रुप वर्कर, ठीक है, कैसे वहाँ पे अपनी भूमिका निभाएगा। तो आपको तब पहले ग्रुप की परिभाषा पता होनी चाहिए, कहाँ क्या टारगेट करना है, ठीक है, या ओल्ड एज कोई हाउस है, ठीक है, वहाँ पे सोशल ग्रुप वर्कर क्या कर सकता है, ठीक है, हॉस्पिटल में सोशल ग्रुप वर्कर क्या कर सकता है। तो ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं पेपर टू में, तो वहाँ समझने के लिए ये डेफिनेशन थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि ये प्राइमरी ग्रुप क्या होता है और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप वो होता है जहाँ पे दो पर्सन के बीच में ना इंटीमेट रिलेशनशिप हो, ठीक है ना, कोहेसिव रिलेशनशिप हो, ठीक है ना, पर्सनल रिलेशनशिप हो। जैसे कि बच्चा पैदा होता है सबसे अपनी फैमिली में जाता है ना, तो माँ बाप सबसे बहुत प्यार वाला जो है रिश्ता होता है, तो हम ले सकते हैं जो फैमिली होती है, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन वाली। तो ये सब क्या हो गए, प्राइमरी ग्रुप में आएंगे, ठीक है ना। सेकंड ग्रुप में होता है कि जो ग्रुप में अब हम जरूरी नहीं कि सामने वाले को जानते हो, लेकिन उस ग्रुप में फंस गए तो अब हम उसको जानने लग गए, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप जो होते हैं आपको मिलेगा कॉलेज में, स्कूल में आपके ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो लेबर यूनियन बन जाती है, तो वो भी एक तरीके का सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है। क्लब्स होते हैं, बड़े बड़े लोग क्लब्स में जाते हैं, वहाँ पर नए नए लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि डेलीबरेटली, ये याद रखना इन दोनों फ़र्क क्या है, यहाँ पे आप डेलीबरेटली रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपना भी, जैसे बच्चा पैदा हुआ है तो अब उसको अपने माँ बाप से रिलेशन उसके ऑटोमेटिकली बनने ही बनना है, यहाँ पे वो कोशिश करे चाहे ना करे, भाई भाई है, बहन बहन है, ठीक है, वो मरते दम तक ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे डेलीबरेट रिलेशन बनाना, क्योंकि कुछ क्या होता है हमारा पर्पज़ होता है,
ठीक है, कि हमें ये फ़ायदा मिल रहा है, ये नुकसान हो रहा है, तो वो सेकेंडरी ग्रुप हो जाते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के करेक्टरिस्टिक, फंक्शन और डिसफंक्शन, ये अब यहाँ से क्वेश्चन बनने से होते हैं। तो पूछता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप को फंक्शन, उनके करेक्टरिस्टिक और उनके डिसफंक्शन के अकॉर्डिंग उनकी करेक्टरिस्टिक या उनकी क्वालिटी को डिफाइन करो। ठीक है, तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है फंक्शनल में। तो फंक्शनल में सबसे पहले क्या होता है, तो जो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसमें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी लगभग ना के बराबर होती है। प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है, ये हमेशा स्मॉल होगा साइज में। ठीक है, ये जो होता है लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। सबसे अच्छी टर्म है कि ये फॉर्मल टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं, परिवार के संग हमारे क्या होते हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं, हम चाहके भी नहीं उन्हें तोड़ सकते। यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक एम होता है। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप की बात है, को ये भी क्यों पढ़ा रहा है, लेकिन ये वर्ड है ना जो ये ऐसे कैसे लिखने पे वहाँ पे आपको नंबर देंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल तरीका है सोशल ग्रुप वर्क को समझने का। फिर क्या होता है, इसमें जो ये पर्सन होते हैं इन नेचर, इसका मतलब बताओ क्या होगा, यहाँ होता है टच एंड गो रिलेशन। ठीक है ना, मतलब नेचर से हमें रिलेशन मिलते हैं। ठीक है, भाई बहन ये सब, यहाँ पर टच एंड गो रिलेशन का मतलब अभी आपका काम हुआ, काम होने के बाद उसको छोड़ के आप कहीं और चले गए। ठीक है, तो मतलब पूरा करो, आगे बढ़ो, तो उसे बोलें टच एंड गो रिलेशन। और इसमें क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, अपना आप ही बनता रहता है। ये स्पॉन्टेनियस होता है बेस्ड ऑन किसके होता है, फिक्स्ड रूल। क्लब में जाओगे जो रूल होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ करेक्टरिस्टिक की जगह हम लिख देते हैं फंक्शन, ऐसी चार्ट बनाना वहाँ पे। तो फंक्शन में क्या क्या आएगा, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ये सब हट जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले फंक्शन में कि ये प्राइमरी ग्रुप हमें सबसे बड़ा फंक्शन इसका होता है, हमें साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन देता है। हर आदमी अपने परिवार माता पिता के सामने आके ना एकदम सुरक्षित महसूस करता है, तो साइकोलॉजिकल उसे लगता है कि मैं एकदम सही हूँ, मेरे कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप में साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन मिलता है। तो फिर यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा कि जो सेकेंडरी ग्रुप का रहता है ना, हमें केवल असिस्ट कर सकता है। ठीक है, कोई सोशल चेंज के लिए, मान लो आप यूनियन के मेंबर हो, तो यूनियन क्या बोलेगी, ये हड़ताल कर लो या ये कर लो वो कर लो, केसबाजी कर लो, आपको ये मिल सकता है। ठीक है, तो असिस्टेंट करेगी हमें, लेकिन फिर भी हमें साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। प्राइमरी ग्रुप से अगर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट है तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। खुद उसे महसूस करके देखना, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके घर वालों का पूरा सपोर्ट है कि बेटा पढ़, जब तक तेरे अटैम्प्ट खत्म नहीं हो पाते, बहुत फ्रीली पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड ग्रुप ये केवल क्रिएट अवेयरनेस दे, अवेयरनेस पैदा कर सकता है कि ये है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब प्राइमरी ग्रुप जो होता है डेवलप पर्सनालिटी, कहते हैं ना कि पहला एजुकेशन क्या होता है, माता के द्वारा जो मिलता है फैमिली। ठीक है, तो आदमी की पर्सनालिटी वैसी बन जाती है जिसका प्राइमरी ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है असिस्ट इन सोशल कंट्रोल, समाज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो सब हमें चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब यही जब ये डिसफंक्शन हो जाएगा, ठीक है, इसी को अगर हम चेंज कर दें डिसफंक्शन, ठीक है, डिसफंक्शन का हिंदी मतलब क्या होता है, स्थिरता। ठीक है, ये होता है इसका मतलब, अब आप चीज़ें समझ गए। हम तीन करेक्टरिस्टिक फंक्शन और डिसफंक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन वहाँ पे आएगा कि इन तीनों के बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप को डिफ्रेंशिएट करो, तो वहाँ पे ऐसे ही करना पड़ेगा। अब खुद देखो, प्राइमरी ग्रुप में अगर स्थिरता आ जाएगी, डिसफंक्शन आ जाएगा, तो क्या होगा कि
ये क्या करता है, ऑफन लीड टू बायसनेस, ठीक है, बायसनेस आ जाएगी परिवार के अंदर ही, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है सेकंड ग्रुप में, बायसनेस तो उतनी नहीं आती, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी कि हम इस यूनियन के लिए काम कर रहे हैं, काम हमारा हो नहीं रहा है, सब बेकार है, ये सब चीज़ें, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि प्राइमरी ग्रुप अगर डिसफंक्शन करने लग गया तो वेल्थ, पैसा और करप्शन दोनों गिफ्ट होते हैं। पेपर टू में हम इसके पढ़ेंगे, ठीक है, क्राइम्स, वाइट कॉलर क्राइम्स, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि फैमिली जो होती है, कुछ कुछ फैमिली होती है ना कि मतलब उस फैमिली का मेंबर ही सीईओ है, ठीक है, उसका भांजा वो है, मैनेजर है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो ऐसे केस में क्या होता है नेपोटिज्म जब जहाँ पर आ जाता है ना तो वहाँ पर क्या होता है करप्शन होना ज़्यादा हो जाता है। तो पेपर टू में इसको पूरा समझाया जाएगा, अभी खाली याद कर लो। और इधर क्या होता है इंक्रीज इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल, मतलब है तो ग्रुप लेकिन जब इसमें डिसफंक्शन आ जाएगी तो कोई एक नेता जो होगा उसी की पूछ होगी, मतलब हर कोई उसी को पूछेगा, बाकी लोगों से मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रुप में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। तो ये हम तीनों में हमने इसको क्लासिफिकेशन कर दिया। तो रिलेशनशिप फॉर्म जो होते हैं ये जो होते हैं दो चीज़ों पे होते हैं, किस पे होते हैं, रेसिप्रोसिटी पे होते हैं और म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन पे होता है, ठीक है। तो इन दो बेसों पे कोई भी रिलेशनशिप बनते हैं, रेसिप्रोसिटी मतलब क्या एक दूसरे से लेना देना है उसके बदले में इसको क्या देना है, ठीक है, और म्यूचुअल मतलब सेटिस्फैक्शन अपने आप में सेटिस्फाई है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कहना ना पड़े ये रिलेशन में क्या है, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि इसे हमने साइंटिफिक वे में अगर देखना चाहें तो इस रिलेशन फॉर्मेशन को कैसे करना है, ठीक है। अगर पेपर में टाइम कम बचे तो ये फार्मूला यूज़ कर देना है, यहाँ पे लिखना कम पड़ता है, सीधे डायग्राम बना देना है और नंबर भी मिल जाएंगे पूरे, ऐसे दिखा देना, जीरो कॉन्टैक्ट मतलब दो आदमी हैं उनके बीच में जीरो कॉन्टैक्ट है, एक आदमी यहाँ है और एक आदमी है, वो अपना समझ जाएगा, तो अभी कोई रिलेशनशिप फॉर्मेशन नहीं हुआ है। फिर एक दूसरा टर्म आता है यूनिलैटरल एटीट्यूड, ये थोड़ा पास पास यूनिलैटरल एटीट्यूड है। फिर एक होता है सरफेस कॉन्टैक्ट, इससे क्या डायग्राम भी बन जाता है, वहाँ पे लगता है कि बच्चा थोड़ा साइंटिफिक तरीके से सोच रहा है, ये रिलेशनशिप है लेकिन एकदम सरफेस सरफेस है कि हाँ हाई बाई वाले रिलेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है रिलेशन जो होता है माइनर इंट्रैक्शन, माइनर इंट्रैक्शन को कैसे हम करेंगे, ये हल्का सा एक दूसरे से वो इंट्रैक्शन कर रहे हैं। फिर आया मेजर इंट्रैक्शन, मेजर इंट्रैक्शन में क्या है थोड़ा और ज़्यादा इंट्रैक्शन हो रहा है। और लास्ट होता है टोटल यूनिटी, मतलब दोनों इतने घुल मिल गए हैं कि इतना अच्छा रिलेशनशिप हो गया है कि ये क्या हो गया पूरा एक ही हो गया, दोनों एक ही बोले समा गए। तो इससे बन जाएगा कि आपको रिलेशन क्या करना है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट रिलेशन कहलाता है, यहाँ पे अभी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम बना दोगे, लिखना पड़ेगा नहीं, नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये रिलेशनशिप फॉर्मेशन का ये तरीका किसने दिया था, ठीक है, उसका नाम भी लिख लो, नाम याद होता नहीं है पेपर में, लिख दे रहा हूँ, अगर याद हो जाए तो और अच्छे मिल जाएंगे। ये भाई साहब थे जॉर्ज लेविंगर, ठीक है, और आर जे डाइट स्नॉक, तो शॉर्ट फॉर्म बना लेना खुद ही इसकी। तो इन भाई साहब ने ये रिलेशनशिप का दिया था, अच्छे नंबर मिल जाते हैं इससे, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं, तो सोशल ग्रुप वर्क की अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। हमने पूरी फॉर्मेशन पढ़ ली, ग्रुप क्या होता है, कैसे बनता है, करेक्टरिस्टिक, ठीक है। डेफिनेशन फिर से वही सोशल केस वर्क की तरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ग्रुप वर्कर की, क्योंकि वो अपने आप में मुझे लगता है पूरी है डेफिनेशन, तो वो मैं डेफिनेशन लेते रहा हूँ, बाकी जो आपको जो अच्छी लगे वो लिख सकते हो। तो सोशल ग्रुप वर्क एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन थ्रू द इंटरप्ले ऑफ पर्सनालिटीज इन ग्रुप सिचुएशन
कॉमा एंड एट द क्रिएशन ऑफ सच ग्रुप सिचुएशन एज प्रोवाइडेड, थोड़ी लंबी है लेकिन परफेक्ट है, फॉर इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव ग्रुप एक्शन फॉर कॉमन एंड, ठीक है ना। अब इसको पढ़ोगे तो लग जाएगा सब कुछ उसने कर दिया। सोशल ग्रुप वर्क क्या होता है, उसका एम होता है डेवलपमेंट किसी पर्सन को थ्रू इंटरप्ले, मतलब गेम्स खेलना जो भी होगा, पर्सनालिटी जो ग्रुप के अंदर जो पर्सनालिटी है उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और क्रिएट करना ऐसी ग्रुप सिचुएशन जिससे कि वो उनके अंदर क्या हो, इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव और एक्शन, ठीक है। इन तीनों तरीके से एक जो हमारा कॉमन एंड है उसको हम छू लें। ये जो डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन दी थी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ग्रुप वर्कर, ठीक है, इन्होंने 1948 में दी थी, मुझे सबसे अच्छी यही लगती है। और ये लिखोगे तो पूरा हो जाएगा, बाकी बहुत सारे हैमिल्टन की है, कोयले की है, वो आप खुद लिख सकते हो। तो अब अगर हम इसमें देखें सोशल ग्रुप वर्क में क्या क्या चीज़ें कॉमन निकलनी है, ठीक है, तो कॉमन चीज़ इसमें सेम वही निकलेंगी कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम डेमोक्रेटिक मेथड यूज़ करते हैं। मतलब मान लो ये हमने ग्रुप बनाया है, ठीक है, सब एक ही प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पे इंटरप्ले कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो उनकी काउंसलिंग करेंगे सबकी, तो उसमें क्या होगा डेमोक्रेटिक वे में, जहाँ जो सब सब सम्मिलित होंगे, यानी कि कोई ऐसा गेम खिला दिया कि तीन को आता है एक को आता नहीं है, ऐसी चीज़ कॉमन करेंगे डेमोक्रेटिक वे में कि वो जो गेम सबको आए जिससे कि सब अपने अपना 100% दे सके। तभी तो हमें पता लगा किसके अंदर क्या कमजोरी है। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, लीडरशिप को हम पैदा करते हैं, ठीक है, टीम स्पिरिट को पैदा करते हैं, ठीक है, सेल्फ डायरेक्शन, ग्रुप मेंबर अपने आप को सेल्फ डायरेक्शन करें, ठीक है, इन सब चीज़ों को करके जो हम उनके इन्वायरमेंट में कोप अप करेंगे, ठीक है, वही क्या कहलाएगा सोशल ग्रुप वर्क, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें पढ़ना है इवोल्यूशन कैसे हुआ था सोशल ग्रुप वर्कर।